हरियाणा के पंचकुला में हुआ बवाल। ओपीएस को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। क्या सीएम खट्टर मानेंगे कर्मचारियों की मांग? ये उग्र भीड़, ये हंगामे की तस्वीर, ये पानी की बौछार और गैस के गोलों का ये प्रहार, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हजारों की संख्या में यहां जुटे लोग आक्रोशित हैं। इस आक्रोश की वजह क्या है, इसको भी जान लेना जरूरी है। हजारों की तादाद में यहां लोग क्यों जुटे हैं, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल हरियाणा में बजट सत्र के शुरू होने से ठीक पहले ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लेकर हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। ओपीएस की मांग को लेकर सूबे के कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ तक कूच किया। चंडीगढ़ पुलिस ने इन कर्मचारियों को बॉर्डर पर रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और तस्वीरें आपके सामने हैं। कर्मचारियों की मांग है कि हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जिसको लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जब कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग हटाकर चंडीगढ़ में घुसने की कोशिश की तो उनकी पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान कर्मचारियों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। पानी की बौछारों और पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की में कई कर्मचारियों को चोटें भी आईं। फिलहाल चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। ये प्रदर्शन कर्मचारी चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने कर्मचारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और बवाल कुछ इस तरह बढ़ गया। राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हजारों कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली को लेकर पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी, साथ ही नारे लगाए कि अगर ओपीएस को बहाल नहीं किया गया तो सरकार बदल जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, लेकिन क्या सरकार कर्मचारियों की बात मानेगी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले सीएम खट्टर ने ओपीएस को लेकर अपना रुख साफ किया था। सीएम ने क्या कहा था, पहले आप ये सुन लीजिए। देखिए, अभी मेरे पास कल ही एक व्हाट्सएप ग्रुप आया है और उस व्हाट्सएप में ये लिखा था, अब एक अधिकारी है केंद्र के, नाम बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा, और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा, तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। सुना आपने, सीएम मनोहर लाल खट्टर का साफ कहना है कि हरियाणा में इस तरह की कोई भी घोषणा करने का उनका इरादा या कोई प्लान नहीं है। फिर कैसे इन कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी, या फिर ये कर्मचारी इस तरह आंदोलन पर लगे रहेंगे? सरकार और कर्मचारियों के बीच का टकराव आखिर कैसे खत्म होगा, ये देखना अभी बाकी रहेगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।